नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, और आज लग रही है खरपतवार की दवा आलू में। और कितने दिन हो गए कन्हैराम अपने आलू बुवाई हुए? लगभग 10-12 दिन नहीं हुए होंगे, 6-7 दिन हो गए होंगे, 6-7 दिन हो गए सुरेश बाबू। दोस्तों, ये लग रहा है पेंडा मेथालीन प्लस मेट्रीब्यूजन, 50 ग्राम एकड़ के हिसाब से मेट्रीब्यूजन और 1 लीटर एकड़ के हिसाब से पेंडा मेथालीन। देखो, सूखे खेत है, बिल्कुल परेवट के नहीं है, और हम तो हर साल ऐसे ही लगवाते हैं। तो जो खरपतवार अब इस जो आपका उगे आया है वो भी नष्ट कर देगी मेट्रीब्यूजन, और नमी इनक पानी सही रखना पड़ता है। लगभग 550 लीटर पानी हम रखते हैं आपके 2 एकड़ के लिए, और इतना ही सबको रखना चाहिए। खरपतवार की दवा में पानी कम नहीं रहना चाहिए, पानी ज़्यादा रहेगा तो नमी में दवा अच्छा काम करती है, सूखे खेत में भी बहुत बढ़िया एकदम लेयर बन जाएगी। कल से इन खेतों में पानी की शुरुआत हो जाएगी, क्यों कन्हैराम कल से लगाओगे पानी? तो दोस्तों ये सब है बाबा, कल से पानी की स्टार्टिंग है। और हम तो हर साल, लोग कहते हैं सूखे में नहीं काम करेगी, ऐसे नहीं, हर साल लगवाते हैं ऐसे ही, कोई खरपतवार होता नहीं है। सही है, अपना पीला ही पीला बाबा बाबा आगे पीछे रहते हैं, आगे रहना चाहिए। खींचो खींचो उधर उस वाले भरे पे। ये दोस्तों स्थिति, ये है दोस्तों काम। और मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, वो ट्रैक्टर देखो चल रहा है वहां। खेती की बताऊं दोस्तों तो मेरे यहाँ लगभग 100-100 बीघा खेत के लगभग 1-1 चक हैं, मतलब तार लगे हैं, फेंसिंग लगी है, दरवाजे लगे हैं, कोई बीच में कोई वो नहीं है गड़बड़ मामला, सही एकदम। कन्हैराम आलू खोद के क्या करोगे? मूंगफली और मूंग है, मूंग उड़द करेंगे। इन खेतों में मूंग उड़द थी सब में, बढ़िया एकदम। ये है दोस्तों स्थिति, खरबूजा कर लेना, खरबूजा भी खूब होता है हमारे यहाँ। और दवा लगने के बाद अपना कल से पानी शुरू हो जाएगा, फिर आपको मैं जानकारियां देता रहूंगा। दोस्तों, मिनी स्प्रिंकलर से चलाता था मैं, पर मुझे मिनी स्प्रिंकलर का काम ठीक नहीं लगा। 3-4 साल मैंने खूब इस्तेमाल कर दिया, पैदावार सही निकलती थी, कोई दिक्कत नहीं है, और पर पानी उसमें ज्यादा लग जाता था इसकी अपेक्षा, क्योंकि उसमें क्या है कि कभी ट्यूबवेल बंद ही नहीं रहता था, जब मेरा 12 एकड़ में लगा हुआ था मिनी स्प्रिंकलर, ठीक है ना। और लगभग कुछ खेती वैसे भरता था मैं, पैदा एवरेज अगर मैं देखता था तो बराबर ही आता था, और इसलिए फिर मैंने सोची मैंने पूरे सीजन ट्यूबवेल चलाने से मतलब क्या है, पानी की तो वेस्टेज होती है, और इसलिए। और लोग कहते हैं कि आलू में मेरे हिसाब से मिनी स्प्रिंकलर ड्रिप, गुजरात में पहले मिनी स्प्रिंकलर आया, फिर लोगों ने फिर ड्रिप एडॉप्ट कर लिया, और मेरे हिसाब से मुझे ये इरीगेशन ठीक लगा उसके 4 साल उसको चलाने के बाद। तो मैं तो पैदावार मैं ये कहूँ कि कम निकलती है ऐसा नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी निकलती है मिनी स्प्रिंकलर में वाले खेतों में। पर दोस्तों, क्वालिटी जब मैटर करती है तब हम आलू की बिक्री समय पर कर पाएं, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान थे जिनके 1500 रुपये कट्टा लग गया, उन्होंने अब आलू आके 1100-1200 में बेच रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बिक्री का समय निश्चित होना चाहिए, क्वालिटी तो सब ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चलती रहती है। ये अब खींचो उधर उस भरे में आएंगे, उससे पहले खींच लिया करो। ये है भैया, अब जितनी भी ऑटोमेशन हो गया मामला, मशीनें आ गई बढ़िया ट्रैक्टर की, तो इनसे दोस्तों काम तो खूब आसान हो गए। ये है स्थिति, और बढ़िया तरह अपने दवा लग रही है। ये है, बहुत जल्दी काम निपट जाता है। मिनी स्प्रिंकलर का सबसे साधन है, बाल बाल लगे हैं जी, सब कुछ लगा हुआ है। फुहारे से कन्हैराम परेशान हो जाते चलाने में, एक तो लेबर बहुत परेशान हो जाती थी, भींग जाते थे। कितने बीमार रह गए पिछली बार तुम्हें? मरते बचे सही है बाबा, बहुत पिछली बार बाबा भी बहुत बीमार रहे, मतलब पूरी साल जुकाम नहीं सही हुआ इन लोगों का, भींग जाते थे उसमें। अगर कोई अगर जैसे चलने में नोजल रुक गया तो अब उसको सही करना है, अब उसको चलते हुए सही कर सकते हैं, बंद होके बहुत सही नहीं होना, तो सब भींग जाते थे, बहुत बुरी स्थिति होती थी। तो दोस्तों, खरपतवार का नियंत्रण बहुत जरूरी है खेती में, खरपतवार के नियंत्रण से ही पैदावार बढ़िया निकलती है। पहले हम लोग मेट्रीब्यूजन लगाते थे सभी लोग 100 ग्राम एकड़ के हिसाब से, नाली में लगवाते थे पहले बहुत दिन पहले, जब से पेंडा मेथालीन का ये छिड़काव होने लगा तब से प्राण बच गए, ये समझ लो, तब से जो खरपतवार का कोई रट्टा नहीं रहता। बहुत से लोग उगे आता है तब लगाते हैं, कई दवा ऐसी चल रही है,
ये है कहानी। और बाकी दोस्तों मंडियों की अपडेट भी आपको मैंने दी और सब देते रहेंगे आप लोगों को, दिखाते रहेंगे क्या स्थिति इस समय चल रही है। अभी मशीन के पास जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी धन्यवाद। देखो पेंडा दिखा दूं आपको, पेंडा मेथालीन 30% ईसी ये, और ये है देखो ये मैट्रीब्यूजन है, मैट्रीब्यूजन 70%। ये दोस्तों स्थिति, दोस्तों कल दवा लग के फ्री हो गए, आपने दवा का वीडियो देख ही लिया और ये पानी की शुरुआत करा दी हमने तो अपने आलू में। और देखो दोस्तों जर्मिनेशन दिखाऊंगा आपको थोड़ा थोड़ा। ये एक सबसे सुखद अनुभव होता है किसान के लिए। और मैंने ये की मैं दोनों वीडियो, क्योंकि आप पानी भी शुरू करा दिया तो मैंने कि ये देखो वीडियो, मैं एक ही वीडियो दिखाऊंगा आपको। देखो जर्मिनेशन, ये देखो ये क्यों कर नहीं रहा। इस साइड कट पीस किधर थी, इसमें कट पीस कटा हुआ आलू किधर हो, क्या खेत में कटो वो आलू कितक हुआ कटो वो, सब मिक्स चलाए कभी कटा जो भी है कुल मिला के। ये रहा देख तो धीरे धीरे करके निकलता आ रहा है, देखो ये दिख रहा होगा ये दो, देखो जी कितना नुकसान कर गई, देखो पूरे खेत में निकलने लगा, निकलना शुरू हो गया। देखो ये पानी शुरू करवा दिया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे करके। और ये देखो ये देखो अब ये देखो, अब की मिनी स्प्रिंकलर नहीं लगाया हमने, अब की सादा, क्योंकि कुछ लाभ मुझे खास दिखा नहीं। देखो निकलने लगा आलू धीरे धीरे करके, ये देखो पानी आ रहा है। दो हजार 25 की पहली सिंचाई आलू में दोस्तों, हल्का हल्का जर्मिनेशन देखो यहां भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा देखो सूखे खेत, पानी लगते ही आलू निकल आएगा। देखो दोस्तों पानी आ गया, पाक कितने दिन हो गए, 15वां दिन है आज। पंद्रहवा दिन है आज, सूखे हैं बोए थे हमने, परिवर्त नहीं की थी, क्या कह नहीं रहा। गर्मी आज बहुत है, आज कितना टेम्परेचर है एक मिनट में देखूं कितना टेम्परेचर है। दोस्तों कल दवा लगी थी, आगे वाला वीडियो दवाई का कल का है, और ये वीडियो पानी आज शुरू हो गया। मैं बता रहा हूँ आपको आज डिग्री कितने डिग्री टेम्परेचर है, अभी देख रहा हूँ लोडिंग हो रही है, 31 डिग्री, देखो 31 डिग्री है, कल 32 बता रहा है, गर्मी खूब है। यहाँ देखो कहीं कहीं दिख रहे हैं आलू, दिखाऊं जर्मिनेशन है, धीरे 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 हो रहा है। देखो ये फूट सी गई जगह, उधर ऊपर भी दिखाई दे रहे थे उस साइड, जहाँ थोड़ी नमी सी है वहाँ जल्दी निकल आते हैं, यहाँ मुझे निकल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों शेयर जरूर करना, धन्यवाद।